नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या दान करना चाहिए कि जिससे पूरे साल घर में धन्य धान्य की कभी कमी ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय से मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला दान है तिल का दान। तिल का दान मकर संक्रांति के अवसर पर हर व्यक्ति को स्नान के बाद तिल का दान जरूर करना चाहिए। इससे सूर्य भगवान के साथ साथ शनि देव की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। अगला जो दान है वह है गुड़ का दान। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। इससे भी आपके घर में साल भर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। वहीं आप कंबल का भी दान इस दिन कर सकते हैं। कंबल का दान मकर संक्रांति के अवसर पर पूजा के बाद गरीबों को कंबल और गर्म कपड़ों का दान अपनी क्षमता के अनुसार जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि गरीबों को दान करने से शनि देव अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा आप पर सदा बनाए रखते हैं, तो हो सके तो जरूर गरीबों को गर्म कपड़े दान करें। अगली जो वस्तु है वह है काली उड़द। हरी मूंग का दान जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन काली उड़द का दान करना भी बेहद शुभ माना गया है। इसके साथ साथ अगर आप हरी मूंग भी दान करते हैं तो इसे भी बहुत अच्छा माना गया है। वहीं दोस्तों, इस दिन आप चावल की खिचड़ी गरीबों को दान कर सकते हैं। इससे आप पर शनि देव की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा खुशियां बरकरार रहेंगी। अगला जो दान है वह है चावल का दान। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन व्यक्ति को हमेशा चावल का दान जरूर करना चाहिए। इससे भी शनि देव और सूर्य देव दोनों की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी और आपके घर में कभी भी अन्न का की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी? अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।